हेलो दोस्तों, जय कवि तनुजा में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हम छठी का भोग लगाते हैं। जब 6 दिन हो जाते हैं मेरे कान्हा जी के पैदा हुए तो हम छठी का भोग लगाते हैं। उस छठी के भोग में क्या क्या बनता है उसकी मैं आपको रेसिपी डिटेल में बताऊंगी। कृष्ण जन्माष्टमी की छठी में हम कढ़ी, आलू की सब्जी और हलवा ये सब बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले हलवे की रेसिपी बता रही हूँ। यह आधा कटोरी मैंने देसी घी लिया है, आधा कटोरी ही आटा लिया है और 1 चम्मच सूजी ली है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1 चम्मच बेसन डालूंगी। और कहते हैं छठी के भोग में बेसन जरूर लगाना चाहिए भगवान जी को, क्योंकि बेसन गर्म होता है, इसलिए कढ़ी भी जो बनती है वो भी बेसन की होती है। और कहते हैं हलवे में भी बेसन जरूर डालना चाहिए। इसको हम मीडियम आंच पे भूनेंगे जल्दी जल्दी, जिससे कि हमारा बेसन या आटा लग नहीं जाए। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। जब इसको भूनते भूनते ये आधा भून जाएगा हमारे ये, तो हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने काजू, बादाम और किशमिश छोटा छोटा काट लिया है और इसके अंदर डाल दिया। आप कम या ज़्यादा कितना भी डाल सकते हो, इसकी कोई गिनती नहीं होती है। आपको कम डालना है कम डालो, ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालो। अब इसके बाद मैं और भूनूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक, क्योंकि ये जितना अच्छा बनेगा हलवा उतना ही अच्छा लगेगा। जैसे आटे के हलवे का कलर होता है वैसे ही इसका होगा। अब ये हलवे का मिश्रण भून चुका है, अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। हम इसके अंदर 2.5 कटोरी पानी डालेंगे। ये मैंने नाप के ग्लास में रख लिया था 2 कटोरी और आधा कटोरी अलग से डाला। अब इसको हम जल्दी जल्दी चलाएंगे जिससे कि गांठें ना पड़ जाएं। इस समय आपको ध्यान देना है। अब हम इसके अंदर चीनी उतनी ही डालेंगे जितना हमने आटा लिया है, मतलब आधी कटोरी। आधा कटोरी अगर आटा है तो चीनी भी आधा कटोरी ही पड़ेगी। अब इसमें मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया। ये चीनी के साथ पिसा हुआ इलायची पाउडर है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसे हम अब 5 से 7 मिनट तक तेज आंच पर अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए आप, ये इसका कढ़ाई ने छोड़ना शुरू कर दिया है हलवा। इसका मतलब हमारा ये हलवा तैयार हो गया है। बस इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। ऊपर से 1 चम्मच देसी घी डालने से इसका स्वाद और अच्छा आता है। बस इसको 2 मिनट में और चलाऊंगी, उसके बाद मैं इसको निकाल लूंगी। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नारियल डाला है, वो आपकी इच्छा है आप थोड़ा या ज़्यादा कितना डालिए। देखिए कितना देखने में यम्मी लग रहा है। अब मैं आपको आलू की सब्जी बताऊंगी। मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें हींग डाली है और जीरा डाला है और 2 हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और अमचूर पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और मैंने यहाँ पर 250 ग्राम आलू लिए थे, उसको उबाल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसे तेज आंच पे अच्छे से भून लूंगी। ये जितना अच्छा भुनेंगे आलू उतने ही अच्छे होंगे। ये इसको हम करारा आलू बोलते हैं। अब इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया है, क्योंकि ये आलू भुन चुके हैं। बस धनिया डाल के मैं थोड़ी देर और चलाऊंगी और इसको निकाल लूंगी। हम कढ़ी की तैयारी करेंगे। ये मैंने 10 लोगों के लिए कढ़ी बना रही हूँ। मैंने 2 कड़छी बेसन लिया है, मेरी बड़ी कड़छी है उसको भर के बेसन लिया है। 1/2 चम्मच इसमें मैं नमक डालूंगी और पिंच ऑफ हींग डालूंगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और हाथ से इसे फेंटूंगी। इस समय हमारा फेंटना ही सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम जितना अच्छा फेंटेंगे तभी इसकी पकौड़ी भी हमारी अच्छी बनेगी कढ़ी की। अगर हमने इस समय ठीक से नहीं फेंटा तो हमारी कढ़ी की जो पकौड़ी है वो टाइट हो जाएगी। हमें फेंटते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें एक तरफ ही फेंटना है, उसे बार बार बदलना नहीं है। आप चाहो तो किसी कड़छी या चम्मच से भी फेंट सकते हो, लेकिन मैं इस समय हाथ से फेंट के दिखा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी ये फिट गया है या नहीं। ये चीज़ मैंने आपको कई चीज़ में बताई है करके, चाहे वो दही बड़े हों चाहे कुछ,
कि हम कोई भी दाल या बेसन हम फेंटते हैं तो हमारे को कैसे पता चले कि वो फिट चुका है। तो देखिए मैं इसमें पानी में थोड़ा सा डाल के देखूंगी, अगर ये तैरने लग रहा है तो इसका मतलब हमारा ये फिट चुका है अच्छे से। अब इसकी मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगी। उसके लिए मैंने सरसों का तेल चढ़ाया है। जब वो तेल गर्म हो गया मैं इसके अंदर छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल दूंगी। हम जिस साइज की डालेंगे उससे दुगनी ये हो जाएंगी। अगर आपके यहाँ पकौड़ी ज़्यादा खाई जाती है तो आप ज़्यादा बना लीजिए, कम खाई जाती है तो कम, ये अपनी इच्छा के ऊपर है। आप पकौड़ी अगर कम भी डालनी है तो भी चलेगा, ज़्यादा डालनी है तो भी चलेगा। और इसको मुझे मीडियम आंच पे मैं तल रही हूँ, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे करूँगी तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। इस तरह से हम सारी जितनी भी पकौड़ी हैं उनको सेक के अलग टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। आप देखिए मैंने दूसरा कान भी डाल दिया है। अब कढ़ी का हम घोल बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो घर का दही लिया है और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और ये मैंने उसी बर्तन में लिया है जिसमें मैं पकौड़ी का जो बर्तन था, जिससे कि उसका बेसन भी वेस्ट ना हो। और अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, लेकिन हमें टोटल बेसन में कढ़ी में अपना 3 गुना पानी डालना है। और 1.5 स्पून मैंने इसके साथ बेसन डाला है अपना। आप ये ध्यान रखिए जितना हमारा दही होता है उससे 3 गुना पानी डलता है कढ़ी में। अब कढ़ी छौंकने के लिए 4 से 5 मैंने लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी हींग ली है, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। मेथी दाना जरूर डालिए तभी कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च ली है और 1/2 चम्मच धनिया लिया है। इसको अच्छे से भून लूँगी। अब ये छन्नी से मैं उस जो मेरा घोल है उसको डालती जाऊँगी। बस इस चीज़ में आप अच्छे से ध्यान रखिए कि हमारा जो घोल है इस समय हमें चलाते रहना है। अगर हम इस समय हाथ रोक देंगे तो हमारी कढ़ी फट जाएगी। मैं छन्नी से छान के लिए इसलिए डाल रही थी कि कोई भी लंप हो तो वो निकल जाए। अब जो मेरा पानी रखा हुआ था कढ़ी में डालने के लिए वो मैं सब डाल दूँगी। और जब ये अच्छे से 1/2 घंटा खोल जाएगा तब इसमें मैं नमक डालूंगी 1.5 चम्मच, जो मैं दिखाना भूल गई थी आपको। और इसके बाद मैंने पकौड़ी डाल दी है। पकौड़ी डालने के बाद भी 10 मिनट तक मैं इसे और खोलाऊंगी। आप देखिए इसकी पकौड़ी कितनी फूकी बनी है, आराम से टूट रही हैं। और ये बन चुका है हमारे कान्हा जी का भोग। अब कान्हा जी का भोग लगने के लिए तैयार है। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी लिया है, इसमें मैंने गंगा जल और तुलसी डाल दी है। चावल लिए हैं उसके ऊपर भी तुलसी रखी है, क्योंकि कान्हा जी के भोग में तुलसी बहुत ज़रूरी होती है। और ये 4 पूड़ियाँ रख दी हैं मैंने, अपनी जो कढ़ी बनाई थी वो रख दी है। उसके ऊपर मैंने देसी घी से मिर्च और से छोंक मार के भी लगा दिया था। और ये आलू की सब्जी है और ये हमारा हलवा है। और ये मैंने थोड़े से पापड़ तल के रख दिए हैं। और सब पे मैंने तुलसी का पत्ता रखा है कि कान्हा जी का जो भोग होता है बिना तुलसी के पत्ते से नहीं लगता है। अब हमारे कान्हा जी का छठी का भोग तैयार है। कान्हा जी हमारे इस भोग को एंजॉय करेंगे। आप भी बनाइए और कान्हा जी का भोग जरूर लगाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।